Okay, so why contraception is needed? Because today the world population is it has exceeded 7 billion. 7 billion individuals in the world right now. It has exceeded it. And by 2050, it will exceed 10 billion, 10 to the power 10. This will be the world's population if it is going by this rate. So the rate is 1 billion. Currently, it is 1 billion every 12 years. World population is increasing. तो इस पॉपुलेशन के बढ़ने से एक तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, साथ ही ऐसे प्रेगनेंसीज जो कि इच्छा से नहीं हुए, यानी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, अनिच्छा से हुए प्रेग्नेंट वुमन एंड इलेक्टिव एबॉर्शंस, इलेक्टिव एबॉर्शन कहते हैं कि उसने सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया कि मुझे एबॉर्शन करवाना है, इलेक्टिव एबॉर्शन। ये दोनों ही वर्ल्ड में बढ़ते जा रहा है डिस्पाइट वी आर हैविंग कॉमन मेथड्स और ऑलरेडी अवेलेबल मेथड्स और डिवाइस और द प्रोसीजर्स फॉर द और ड्रग्स और हॉर्मोन इंजेक्शन फॉर कंट्रासेप्शन वी ऑलरेडी हैव मेनी डिफरेंट solutions for this contraceptives. लेकिन फिर भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड इलेक्टिव abortions भी बढ़ रहे हैं। इनको तो नहीं होना चाहिए था, आबादी बढ़ रही है, चलो ठीक है, वो आबादी बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं चाह रहे, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। ओके, सो इसकी वजह से एक फीमेल के ऊपर एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू और इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। फीमेल्स जो है इसकी वजह से काफी सफर करते हैं। सो दिस इज, और आपके सारे जो भी सोशल इकोलॉजिकल हो गया, इकोनॉमिकल, ठीक है, और मेडिकल, इन सब डिपार्टमेंट में फीमेल्स जो है लॉस पे जाती है। सो इट बिकम्स, क्योंकि फीमेल्स को हो गया लॉस, तो इट बिकम्स ए ग्लोबल इशू फॉर द, सो इट बिकम्स ए ग्लोबल इशू। सो ये भी एक ग्लोबल इशू है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड इलेक्टिव एबॉर्शन, साथ ही ओवर पॉपुलेशन भी ग्लोबल इशू है। ठीक, ये भी ग्लोबल इशू है और दोनों से फीमेल्स को दो चार होना पड़ता है। तो इसलिए जरूरत है कुछ ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का जिसमें काफी सारे एडवांटेज हो, और जो डिसएडवांटेजेज ऑलरेडी अवेलेबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में है, वो डिसएडवांटेजेज उनमें ना हो। तो जैसे कॉन्ट्रासेप्शन का यूज क्यों किया जाता है, ये इम्यून कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में भी हम जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताएंगे आगे चल के, इनका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमको, मतलब कपल्स को, डिफरेंट कपल्स को, दे वांट टू पोस्ट
postpone child bearing. They want to postpone child bearing. ठीक है, और दे वांट टू स्पेस ऑल्सो बिटवीन दे वांट टू स्पेस द सब्सिक्वेंट चाइल्ड बर्थ्स उसके हिसाब से. ओके, एंड दे ऑल्सो कैन लिमिट देयर फैमिली साइज बाय डूइंग दिस. तो इन सब को करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जरूरत पड़ती है. सो बट इट इज अ हाईली पर्सनल डिसीजन बेस्ड ऑन देयर यानी कपल के इंडिविजुअल प्रिफरेंसेस के ऊपर. ठीक है, उसके आधार पर वो तय करेंगे और साथ ही उनका मेडिकल हिस्ट्री भी क्या कह रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए. ठीक है, लाइफ स्टाइल को भी ध्यान में रखते हुए. तो वो एक अलग इशू है, लाइफ स्टाइल कैसे अफेक्ट करता है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, वो सब आर्ट्स का चीज है. सो ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो इन सब चीजों को करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए चाइल्ड बर्थ को, या दो चाइल्ड बर्थ के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग, 2 साल का चाहिए, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, वो स्पेसिंग देने के लिए, और फाइनली हमारे फैमिली का साइज क्या हो वो अपने च्वाइस के आधार पर तय करने के लिए कपल वेयर नीडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स. कपल्स नीड दिस. सो दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड हैव द करेक्टरिस्टिक्स लाइक, क्या हो सकते हैं इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हो, इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करने के बाद उनका फीलिंग जो है वो भी लॉस ना होना चाहिए. हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, आप लोग बना लेना बाद में पॉइंट. ठीक है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए. ओके, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है सस्ते होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए. ओके, इजी टू यूज होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये रिवर्सिबल होना चाहिए. यानी जब मन हो तो हम इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हटा लें और नॉर्मल फंक्शन को रिज्यूम कर जाए. ठीक है, तो रिवर्सिबल होना चाहिए. तो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो थे जैसे वैसेक्टोमी वगैरह, वो सब क्या है, वैसेक्टोमी क्या है, इरिवर्सिबल है. सो रिवर्सिबल होना चाहिए. तो ये सब जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्वालिटीज है. तो ये सब ऑलरेडी यूज हो रहा था. इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है स्पेशल है. ओके, तो उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए. ठीक है, तो अब जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है जो इसको मिटा देते हैं पहले, नहीं तो लिखने में. तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्वालिटीज हो गए. कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एग्जाम्पल आप जान लीजिए, जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और कुछ न्यूली डेवलप्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्यून कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दीज आर नॉन इम्यून कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो इसमें दो कैटेगरी है, फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स. Contraceptives used by males and contraceptives used by female. ठीक, so इसमें male में ज्यादा नहीं है, एक है आपका condoms. Okay, natural contraceptive method that is withdrawal and surgical that is vasectomy. तीन है फीमेल्स में, बहुत सारे. ठीक, तो जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, सबसे पहले तो हो गया आपका
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इसको हम बोलेंगे सीधा शॉर्ट में लिख दिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, और हैं कुछ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी, ये सब अगर आपको देखना हो तो बाद में देख लेना, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंजेक्टेबल है। एंड कुछ होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, उसके बाद होते हैं इंट्रा आपका इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस लाइक कॉपर टी एक्सेट्रा। चौथा हो गया आपका इंट्रा यूटेरियन डिवाइस हो गया, उसके बाद हाँ एक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव वेजाइनल रिंग, लिखा कॉन्ट्रासेप्टिव फिर हो गया आपका कुछ होते हैं बैरियर मेथड्स, ये आप नेट में देख लेना बाद में। छठा है सर्जिकल स्टरलाइजेशन, ठीक, फीमेल्स कैन यूज स्पर्मिसाइड्स आल्सो, एक मलहम की तरह होता है, उसको लगा लेने से स्पर्म्स विल डाई, स्पर्मिसाइड्स। ओके, एंड नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट फैमिली प्लानिंग मेथड्स। तो ये सारे मेथड होने के बावजूद भी दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ जो इलेक्टिव एबॉर्शन रेट है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हैं, ये भी बढ़ते जा रहे हैं, तो एक नोवेल कॉन्ट्रासेप्टिव अप्रोच को लगाने की आवश्यकता पड़ी। एंड दे आर गेनिंग सब्सटेंशियल अटेंशन एंड दैट इज कॉल्ड इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन, दे आर गेटिंग अटेंशन nowadays. But this is still under the developmental stages. So many of the drugs involved in this immunocontraception are still at clinical trial phase 1. कुछ का phase 1 complete हो गया तो phase 2 पर अटका हुआ है, phase 3 पर है, ठीक है। इसमें जो सबसे सक्सेसफुल जो रहा, अभी जो यूज हो रहा है, जिसको अलाउ मिल हो गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को यूज करने के लिए हम ये कॉमर्शियली मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, सो दैट इज वो सबसे लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो दैट इज द सब्सटेंस विच इज यूजिंग स्पर्म एंटीजन्स, दैट ड्रग इज कंपोज्ड ऑफ एंटीजन्स, स्पर्म एंटीजन्स। तो अब इसको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। वन सेकेंड,
हेलो। यस सर। तो ये जो नाउअडेज दीज आर गेनिंग द पॉपुलरिटी इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन, बट स्टिल दे आर एट द रिसर्च स्टेज एंड वी आर इन्वॉल्व विद इट। सो आपको कौन कौन से, ये क्यों नहीं, कौन कौन से हैं इनको, इसको मैं मिटा दूं? नहीं तो ये फिगर को ही पहले छोटा कर देते ना, लेकिन अब ये फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो अब देखो कि आपका जो है ये इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन जो है, दिस इज यूज्ड और परफॉर्म्ड, दिस इज हाउ दे आर गेटिंग यूज। सो आपको एक रफ आइडिया पहले ले लीजिए कि दे आर बेसिकली एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, इन एंटीबॉडीज के साथ प्ले किया गया है, इनको मॉडिफाई किया गया है और इनको क्रॉस स्पीसीज यूज किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, पहले से बनाए हुए। ठीक, और इनको हम इंजेक्ट करा देते हैं इन द पर्टिकुलर एनिमल। अब अगर ये एंटीबॉडी, इफ दिस एंटीबॉडी इज अगेंस्ट FSH, ओके, दैट मींस द एंटीबॉडी इज विल बी कॉल्ड anti-FSH इफ फीमेल टेक्स दिस इंजेक्शन, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? अब FSH के स्ट्रक्चर पर गौर करना होगा। FSH इज कंपोज ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो है वो बेसिकली इज लाइक, अल्फा सब यूनिट का सिमिलरिटी जो है वो LH के साथ होता है, TSH के साथ है, और एक और हार्मोन है उसके साथ भी होता है। तो अल्फा और ये अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना होता है। और अगर ये एंटीबॉडी अल्फा एपिटोप के अगेंस्ट हो, ठीक है, समझ रहे हो, FSH का पूरे FSH जो डाइपेप्टाइड है, ओके, उस डाइपेप्टाइड के अल्फा सब यूनिट के से अगर उसकी रिएक्टिविटी होगी, अल्फा सब यूनिट विल बी यूज्ड एज द एपिटोप, और अल्फा सब यूनिट इज हैविंग द सिमिलरिटी विद LH एंड TSH अदर हॉर्मोन्स, तो यूजिंग anti-FSH ऑफ दिस टाइप विल लीड टू द डिसफंक्शन ऑफ LH एंड TSH ऑल्सो। सो दे हैव यूज्ड दिस बीटा सब यूनिट ऑफ FSH टू रेज द एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। सो द एंटीबॉडी इज टारगेटेड एट द बीटा सब यूनिट। तो आप जान रहे हैं कि इन इन द बॉडी देयर इज क्या होता है, गोनाडल एक्सिस। कौन सा गोनाडल एक्सिस है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं ये समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस है, देखिए ये हाइपोथल फिगर है, हाइपोथैलेमस दिख रहा है फिगर, यस सर। हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, समझे? हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और यह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंड इन रेस्पॉन्स टू दिस
एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स FSH एंड LH बोथ इन मेल्स एंड इन फीमेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स इन बोथ मेल्स में भी FSH मेल्स के भी पिट्यूटरी ग्लैंड FSH सीक्रेट करते हैं LH सीक्रेट करते हैं फीमेल्स के भी पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH सीक्रेट करते हैं लेकिन मेल्स के अंदर FSH जब उसके गोनाड में जाता है तब वहां लेडिक सेल्स के द्वारा याद है लेडिक सेल्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस सो दीज सेल्स सीक्रेट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ FSH अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और इस टेस्टोस्टेरोन से फिर टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूबर्टी हार्मोन जैसे इसका काउंटर पार्ट था इन फीमेल्स इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्यूबर्टी के बाद ये दोनों हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो गया बाय गोनाड्स ओके प्यूबर्टी के बाद हाइपोथैलमस से भी सिक्रीशन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्टार्ट हुआ था ठीक है प्यूबर्टी के बाद प्यूबर्टी के बाद ही इसका सिक्रीशन स्टार्ट हुआ और ये एक्ट किया गोनाड को स्टिमुलेट कर दिया मेल में स्टिमुलेट कर दिया लेडिक सेल्स को टू गिव राइज टू टेस्टोस्टेरोन और अब टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में इस्ट्रोजन और बाद में इस्ट्रोजन के वजह से और प्रेजेंस से फॉलिकुलोजेनेसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मोर FSH ठीक है और उसके बाद जब ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम इस्टेब्लिश होगा देन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होगा इस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा था कहां से फ्रॉम द ग्रेनुलोजा सेल्स फ्रॉम द ग्रेनुलोजा सेल्स ऑफ द फॉलिकल हालांकि उसमें थीका सेल्स थीका इंटरना का भी हेल्प लगता है क्योंकि कुछ एंजाइम इनिशियल स्टेप्स जो है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो कन्वर्ट किया जाता है इस्ट्रोजन में इस्ट्राडायोल में इनिशियल स्टेप्स ऑफ दैट मेटाबॉलिक पाथवे एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दोस सेल्स बाद का ग्रेनुलोजा सेल्स तो आप यहाँ गौर कीजिए एक चीज मैकेनिज्म इफ यू ब्लॉक साइंटिफिकली आप देखो थ्योरेटिकली इफ यू ब्लॉक दिस हार्मोन व्हाट यू कैन नॉट यू कैन एक्सपेक्ट इन द इंडिविजुअल In the absence of gonadotropin releasing hormone, anterior pituitary will not be able to secrete FSH and LH. Therefore, their gonads will not be able to secrete these testosterone and estrogen and progesterone. Ultimately, this will lead to completely absent either testicular or ovarian function. Okay, देखिए testosterone अगर नहीं होगा तो देखिए males में भी जब तक testosterone hormone का secretion शुरू नहीं होता है तब तक males में भी secondary sexual characters doesn't start appearing. जब puberty के बाद testosterone एड होने लगा सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन में देन मेल्स स्टार्ट डेवलपिंग मुस्टैचेस ओके बियर्ड मेल टाइप हेयर पैटर्न ओके एंड अदर सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर्स लाइक स्केलेटल मसल ग्रोथ एटसेट्रा तो इस तरह टेस्टोस्टेरोन जो है मेल्स के ग्रोइंग एज में प्यूबर्टी कब अटेंड हो गया
उसको, मेल्स को प्यूबर्टी कब तक था, मान लो कि उसको था प्यूबर्टी 11 इयर्स तक, 12 इयर्स तक। आजकल लेट हो, अर्ली प्यूबर्टी साइंस भी मिल रहे हैं, जल्दी भी हो रहा है, 11 12 इयर्स तक प्यूबर्टी था। तो जब तक प्यूबर्टी था तब तक कोई गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं था, और तब तक फिर कोई FSH LH नहीं था। मेल वेयर लुकिंग लाइक मेल एंड फीमेल बोथ जो है इस एज में, प्यूबर्टी तक के एज में, दोनों के लुक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेल स्पेसिफिक लुक स्टार्ट्स अपीयरिंग आफ्टर प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन, एंड दिस टेस्टोस्टेरोन ग्रोइंग एज है टिल 18 इयर्स। तो प्यूबर्टी के बाद ये 5-6 साल जो है, ये एडोलेसेंट स्टेज जो है, टीनेजर वाला है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ऐड हो रहा है सर्कुलेशन में, डेली ऐड हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ देयर उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होगा, एंड दे विल स्टार्ट डेवलपिंग सेकेंडरी मेल करेक्टर्स धीरे 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 धीरे, एक बैग नहीं आ जाएगा, वहां से स्टार्ट हो गया आफ्टर प्यूबर्टी until the growing age, उनके 18 साल तक में। ये तो growing age का first phase होता है, फिर उसके बाद growing age का second phase, that is 18 years से 24 years तक। इस 18 years तक का में बहुत ही rapid growth होता है, यानी height बढ़ना, skeletal muscle का division, okay, ये सब ज्यादा होते हैं। उसके बाद इनकी रेट जो है घट जाती है 18 से 24 साल तक, उसके बाद 24 साल के बाद यह जीरो हो जाती है। तो इतने टाइम तक टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में मेल टाइप सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द मेल्स बॉडी। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? फीमेल में क्या होगा, ये FSH और LH फीमेल में दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, दे विल पुश, दे विल स्टार्ट द फॉलिक्यूलोजेनेसिस। LH जो है ओव्यूलेशन काउज करेगा, ठीक, और FSH जो है फॉलिक्यूलोजेनेसिस करेगा। सिंपल है, ये सब आप जान रहे हो। और उसके बाद क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। फॉलिकुलोजेनेसिस जब हो रहा होगा तो उसके साथ साथ इस्ट्रोजेन का भी सिक्रीशन ग्रेनुलोजा सेंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट साइकिल के बाद जैसे ही इस्ट्रोजेन ऐड होना शुरू हुआ सर्कुलेशन में, वहां जैसे टेस्टोस्टेरोन ऐड हो रहा था आफ्टर प्यूबर्टी फर्स्ट, जैसे ही उसका शुरू हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो टेस्टोस्टेरोन एडिशन स्टार्ट हो गया। और इधर फीमेल्स में भी जैसे फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ इस्ट्रोजेन एडिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन इस स्टेरॉल के इन्फ्लुएंस में इन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विल स्टार्ट एक्युमुलेटिंग एंड डेवलपिंग। तो इस तरह से उनमें हो जाएगा, ठीक है। ग्रोइंग इज मोर और लेस सेम है उनका, मेल फीमेल का, यहाँ पर ग्रो करेंगे। इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो चूंकि कोई ऐसा स्केलेटल मसल ग्रोथ करने का अदर से उसमें फंक्शन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है, उसमें से ये है, ये एब्सेंट है, इसलिए फीमेल का फिजिकल ग्रोथ जो है, मसल ग्रोथ जो है, उसी तरह का रह जाता है जो उनके टीनेज में था, जहां से बॉय का लिनिएज ग्रोथ वहां उसका बढ़ गया, वहां फीमेल का वहीं तक रहा, ठीक है। तो अब इसमें अब कैंडिडेट है आपके वैक्सीन के लायक कौन कौन, अब आप कह सकते हैं। एक अगर हम, अब आप सपोज कीजिए कि इफ यू आर टारगेटिंग दिस हार्मोन, देन व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, नो FSH एंड LH बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, व्हाट दैट विल लीड, दैट विल लीड टू, इफ नो FSH एंड LH देन नो टेस्टोस्टेरोन, दिस साइड नो इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी नहीं होगा,
सारा स्टूडेंट सवाल यस सर ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, नो टेस्टोस्टेरोन, इफ यू आर ब्लॉकिंग द टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी, दैट मींस द सेकेंड, देन व्हाट विल हैपन, यू विल सी द सिम्टम्स सिमिलर टू द सिम्टम्स व्हिच हैपेंस ड्यूरिंग इन कैस्ट्रेशन। What will happen? Male will lose hairs, male will lose muscles, male will develop breasts. Okay, if it continued blocking of gonadotropin releasing hormone जो है सो चलते रहा, तो अब इसके अगर और फीमेल में